Hello everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, जो हमने HR interview में जो question पूछे जाते हैं उसका जो मैंने एक series start किया था, so उसी series में आज हम एक और question को discuss करने जा रहे हैं जो कि HR interview में maximum time पूछे जाते हैं. So इससे पहले वाले videos को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन videos को देख लें. उन videos का जो playlist का link है आपको इसी video के description box में मिल जाएगा and placement related और videos हैं जो channel पे uploaded हैं. तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. सो गाइस, हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स, तो उसको मैंने डिनोट किया है एक्स से. अब इंटरव्यूअर इस एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 15, 10 इयर्स, जो भी नंबर हो यहाँ पे, तो मैंने उसको एक्स से डिनोट किया है. सो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. क्लियर है? सो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है, एचआर इंटरव्यू का आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको ध्यान क्या चीज देना है कि आप कोई भी आंसर जब दे तो वो आंसर क्या होना चाहिए, कंपनी के फेवर में होना चाहिए. क्लियर गाइस? वो आंसर कंपनी के फेवर में होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन का कंपनी के फेवर में होने से क्या मतलब है कि जैसे कि आपने बोला, क्वेश्चन आया कि 10 साल में कहां देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ना बोले कि सपोज आप अभी इंटरव्यू में बैठे हैं कॉग्निजेंट के, सपोज. क्लियर है? अगर आप कॉग्निजेंट कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हैं और आपने ये बोल दिया कि आने वाले 5 सालों में, 5 इयर्स और 10 इयर्स में आप ज्वाइन, आपका जो मोटिव है वो है अमेजोन को ज्वाइन करना. क्लियर है? अगर आपने ये चीज बोल दिया इंटरव्यू में तो आपको इंटरव्यूअर वहीं पे रिजेक्ट कर देगा, वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा इंटरव्यू में. अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि जो कोई भी अगर वो किसी को हायर कर रही है तो वो लॉन्ग टाइम तक उसी कंपनी में रहे, क्योंकि आप उस कंपनी में एज अ फ्रेशर अभी जाओगे तो वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, सब कुछ आपको सिखाएगी, फिर आप कुछ टाइम बाद कंपनी को छोड़ दोगे तो आपको क्यों लेगी. एंड कंपनी उन बंदों को प्रेफर करेगी, ऑब्वियसली बात है, जो कंपनी में लॉन्ग टर्म तक रहना चाहे. क्लियर है? सो आप जिस कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये नहीं बोलना है कि आप कोई और कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आप ये भी नहीं बोले कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये भी आपको नहीं बोलना है. गवर्नमेंट एग्जाम या फिर आपका इन फ्यूचर बिजनेस करना है, ये सब पॉइंट को भी आप ना बोले. क्लियर है? तो सिंपल सा आपका ये होना चाहिए कि आप आने वाले 10 सालों में भी या आने वाले 5 सालों में भी आपको उसी कंपनी में ही रहना है. क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अब आपको उस कंपनी में रहना है, बट आप अभी आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप सेम कंपनी में 10 साल बाद आप एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे हो. क्लियर है? तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ जाएगा कि आप चाहते हैं कि आप सेम कंपनी में कहाँ पे हो, आने वाले 10 सालों में रिस्पेक्टेड पोजीशन पे. क्लियर है? एक पॉइंट ये हो गया, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में. और एक और पॉइंट अभी बोल सकते हैं कि जैसे कि आपने कंपनी ज्वाइन किया है तो होता क्या है कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको हमेशा नए नए चीजें सीखते रहने पड़ते हैं, जो जो कंपनी में रिक्वायरमेंट्स होते रहती है, सो दैट कि आपका एक स्किल डेवलप होता रहे एंड किसी भी प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट कर सके. तो एक ये पॉइंट हो सकता है कि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको नए नए चीजें सीखने वहां पे. क्लियर है? टू लर्न न्यू थिंग्स. अब आप नई नई चीजें कैसे सीख सकते हैं, जो वहां पे सीनियर होंगे, जो वहां पे मेंटर होंगे, उनके साथ बातें करके, उनसे कोई सेशन उनके साथ कंडक्ट, वो कोई सेशन कंडक्ट कर लेंगे आपका, उसमें आपको सब कुछ बताएं कि क्या क्या कैसे काम होता है और जो नई नई चीजें आ रही हैं, या फिर आप कोई कोर्सेज जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग्स, आप उससे सीख सकते हैं. तो यहाँ पे एक तो आप हो सकता है कि आप नई चीजें कैसे सीखेंगे, ट्रेनिंग्स की हेल्प से. अब ये ट्रेनिंग क्या होता है, ये ट्रेनिंग कंपनी के जो एम्प्लॉय ऑलरेडी होंगे वो भी देते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से, कोई एक्सटर्नल कोर्सेज से भी आपको ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग लेकर फिर आप उन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप एक ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग्स कौन सा, इंटरनल ट्रेनिंग जो कि कंपनी के अंदर होगा और एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स. क्लियर है? ये चीज हो गया. और फिर अब ये है कि आप रिस्पेक्टेड पोजीशन पे पहुंच, 10 सालों में आप चाहेंगे कि आप एक ऐसे पोजीशन पे हो, रिस्पेक्टेड पोजीशन पे, जहां से आप कंपनी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए एंड फिर आप जो भी होगा उस कंपनी के बेटरमेंट के लिए, उस कंपनी के ग्रोथ के लिए
कंट्रीब्यूट करे उस कंपनी में। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इन सभी पॉइंट्स को एक जगह लिखा है, तो एक बार मैं आपको वहां से बता दूं कि आप पॉइंट्स को कैसे आंसर कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे। क्लियर है? सो गाइज, ये है आंसर। फर्स्ट पॉइंट तो ये बोलेंगे आपकी ओवर एक्स ईयर्स, मीन्स की 10 साल या 5 ईयर्स और 10 ईयर्स जो भी होगा आप उसको यहाँ पे ऐड कर ले। क्लियर है? ये हो गया। सो आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में आप अपने को कहाँ देखना चाहते हैं, तो ये इसका आंसर है कि ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स आई वुड लव टू यूटिलाइज ऑल द अपॉर्चुनिटीज। मीन्स कंपनी आपको जो जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी कि आपको कभी ये प्रोजेक्ट मिलेगा, कभी दूसरे प्रोजेक्ट में, कभी दूसरे टीम में, कभी आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना हो, कभी आपको कोई सेशन कंडक्ट करना हो, तो वो सब चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी कंपनी देगी। तो वो वही पॉइंट आप यहाँ मेंशन करेंगे, आई वुड लव टू यूटिलाइज ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट दिस कंपनी विल प्रोवाइड मी टू लर्न by utilizing internal and external training programs. Clear है? So as a fresher company आपको training देती है, as a fresher company आपको training provide करती है। अब वो training अभी मैंने बताया है कि कोई company का employee आपको train कर रहा हो, या फिर जैसे अगर कोई technology का use, suppose आपको Java आती है but आपको ऐसे project में company ने डाला हो जिसमें Python use है, तो वो आपको Python करवाएगी। तो या तो आपको कोई external training जैसे कि कहीं से कोई course आपको दे दिया जाए Python का, वहाँ से आप कर ले, या फिर कंपनी के ही कोई एम्प्लॉय है, सीनियर एम्प्लॉय, वो आपको ट्रेन करे। तो एक ये पॉइंट हो गया कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को यूज करके और क्या करेंगे, जो नई नई चीजें सीखेंगे, और फिर वो चीज सीखने के बाद भी आप क्या करेंगे, आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो नई नई चीजें सीखेंगे उसको आप कंपनी के फ्यूचर बेटरमेंट के लिए यूज करेंगे प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, माय अल्टीमेट गोल इज टू बी एट सम हायर पोजीशन इन दिस कंपनी एंड बी अ पार्ट ऑफ द मेकिंग अ डिफरेंस अलोंग माय जर्नी With this company. तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि आप इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं कि आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, जो भी उस एक्स की जगह वैल्यू होगा वहां पे डालकर आप आंसर कर सकते हैं कि आप आने वाले 10 सालों में अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं इस पोजिशन पे, और आप जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा उसको आप यूटिलाइज करके उसको आप कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। क्लियर गाइज? एंड आपको ये चीज अभी मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही कि आपको ये आंसर नहीं देना है कि आप 10 सालों में इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो सब पॉइंट आपको नहीं बोलना है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, या फिर आपको लगता हो कि कोई और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, तो आप उन पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, सो दैट कि और भी जो बच्चे उन वीडियोस को देखें तो उन्हें आइडिया लगे कि कौन कौन से पॉइंट्स और भी इसमें ऐड हो सकते हैं। एंड जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ का भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।